नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। वार्ड सचिवों का भविष्य क्या होगा? आज धरने का तीसरा दिन है, आज सोमवार है। आज हम आपको बता देना चाहते हैं, बजट सत्र फिर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। हमारे पीछे देख सकते हैं, वार्ड सचिव नहीं है, एसटीईटी अभ्यर्थी है। वह अपनी हक और मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए, मगर हम बात कर रहे हैं वार्ड सचिवों की। आज भी बोला गया था, राजनंदन जी के द्वारा ताल ठोक के बोला गया था कि हमारे 5 पांडव ही इस तरह से हम रहेंगे, लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। मगर आज तीसरा दिन एक भी वार्ड सचिव नहीं है, एक भी वार्ड सचिव नदारद है। आप देख सकते हैं, हम चारों बगल बोलना चाहते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं गर्दनी बाग के। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी वार्ड सचिव उपस्थित नहीं है। आज जिस तरह से एक भी वार्ड सचिव उपस्थित नहीं है, क्या होगा वार्ड सचिवों का, क्या भविष्य होगा? क्या वार्ड सचिवों का भविष्य 9 तारीख पे आके अटक गया है? जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, क्या होगा कोई नहीं जानता है। एक तरफ सरकार बोलती है हम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ वार्ड सचिव के लोग बोलते हैं हमें भी कोर्ट पे ही भरोसा है और हमें कानून पे पूर्णतः भरोसा है, हमें हमारा हक मिल के रहेगा। मगर फिलहाल अभी यहाँ पर एक भी वार्ड सचिव उपस्थित नहीं है। आज गर्दनी बाग पूरी तरह से शांत है। यहाँ पे एसटीईटी अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, टेंट लगा के बैठे हुए, मगर वार्ड सचिव नदारद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।